प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। भारतीय युवा कांग्रेस नरेंद्र सरकार की जो सरकार है उसके खिलाफ एक प्रचार छेड़ रही है। केंद्र सरकार CAA, NRC और NPR लागू करना चाहती है, लेकिन हम केंद्र सरकार को आप लोगों के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और हम एक NRU जो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर है उसकी मांग करते हैं। आज आप लोगों के माध्यम से हम NRU में जो एक फोन नंबर है इसको रिलीज करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा साथी इस नंबर पे मिस कॉल कर सकें और केंद्र सरकार को ये पता लग सके कि आज का जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, वो NRU की डिमांड करता है। पिछले काफी सालों से, लगभग 45 सालों से देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है रिकॉर्ड तौर 7.5% बढ़ी हुई है। NCRC की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिछले साल करीब 10,349 किसानों ने आत्महत्या की है, और उसी डेटा के अनुसार करीब 12,000 युवा शिक्षित बेरोजगारों ने सुसाइड किया है। CMEI की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल करीब 88 लाख महिलाओं का रोजगार छीन गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। वो लोगों को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में बांटने का काम कर रही है। हम नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन बेरोजगार की दर बढ़ती चली जा रही है। इस रजिस्टर के माध्यम से बेरोजगार जो युवा हैं उनका पंजीकरण होगा, और उसके माध्यम से केंद्र सरकार नए इम्प्लीमेंट कर सकती है, युवाओं को रोजगार दे सकती है। पिछले 45 साल में ऑटो क्षेत्र में करीब 22 लाख नौकरियां गई हैं, ज्वेलरी में करीब 3.5 लाख नौकरियां गई हैं, रियल स्टेट में करीब 22 लाख नौकरियां चली गई हैं, और हर तरफ बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है। NRU का मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी रजिस्टर। तो क्या फायदा इससे मिलेगा आम युवा को? जो भी युवा आज अपनी शिक्षा पूरी करके नौकरी के लिए सड़कों पर दर बदर घूम रहे हैं, वो इस रजिस्टर में अपना पंजीकरण कराएंगे। पंजीकरण कराने के बाद सरकार के पास ये आंकड़ा इकट्ठा हो जाएगा कि देश में कितने युवा बेरोजगार हैं, और उनको उनकी शिक्षा के माध्यम से, उनकी डिग्री के हिसाब से नौकरियां देने में आसानी रहेगी। जो रोजगार दे रही है किस ना किस तरह? बिल्कुल, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो भी युवा शिक्षित है, बेरोजगार है, वो पकौड़े तलने का काम करे, ये भी एक प्रकार से रोजगार है। नाले में से वो गैस बनाने की जो योजना है वो युवाओं को बता रहे हैं, और पिछली सरकार में खट्टर सरकार ने हरियाणा में जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, BTEC और MBA करने वाले लोगों को चपरासी, चौकीदार, माली और ड्राइवर लगाकर उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। माता पिता बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बावजूद उन बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, और अनेक युवा जो नशे की गिरफ्त में, बेरोजगारी की गिरफ्त में आके सुसाइड कर जाते हैं। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान बेरोजगारी की तरफ दिलाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पे कहां लगाम लगी है? अभी पीछे ही आप देखो, गायों को लेकर बहुत सारा बजट पास हुआ था, लेकिन गौ अभ्यारण्य में और नंदी गौशाला में 1500 से अधिक पशु मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, और करोड़ों रुपए का जो बजट है पता नहीं किस नेता की जेब में गया है। भाजपा सरकार का रोजगार की तरफ ध्यान ही नहीं है, हजारों पद खाली पड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, लोगों को रोजगार देने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। मोदी सरकार, केंद्र सरकार सिर्फ अपने 2-4 अडानी अंबानी जैसे जो मित्र हैं उनकी जेब भरने के लिए पॉलिसी बना रही है। अगर मोदी सरकार युवाओं को नौकरियां देती तो आज बेरोजगारी की दर रिकॉर्ड तोड़ 7.5% नहीं होती, जो कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी तरीके से पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में हर जिला मुख्यालय पे ये हमारा जो NRU के रजिस्टर को लेकर डिमांड है, और इस नंबर के माध्यम से आज देश का लाखों युवा मिस कॉल करके अपनी बेरोजगारी की उपस्थिति दर्ज कराएगा मोदी सरकार को, और मैं समझता हूं आप लोग भी इसमें निष्पक्ष भूमिका निभाएंगे और मोदी सरकार को जगाने का काम करेंगे।